बड़ी खबर सामने आ रही। देखिए बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक की टिप्पणी मामले से जुड़ा हुआ यह मामला है। अभी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने का कोर्ट से आग्रह किया। राहुल गांधी को समन मिला है या नहीं इसकी सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को नहीं मिली है। राहुल की उपस्थिति के लिए कोर्ट की अगली निर्धारित तिथि को सुनवाई होगी। मोदी सरने मामले में भी आज आरोप गठित हो सकता है। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर भी सशरीर उपस्थित होने का इन्हें आदेश था। राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए हैं। अब कोर्ट की अगली निर्धारित तिथि पर ही सुनवाई होगी। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पूरा मामला है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोर्ट में नहीं उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है। राहुल गांधी को समन मिला है या नहीं इसकी सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को नहीं मिली है। राहुल की उपस्थिति के लिए कोर्ट के अगले निर्धारित तिथि पर ही अब सुनवाई होगी। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला था जिस पर सुनवाई होनी थी। एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में यह सुनवाई भी हुई। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जिन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला है, एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने का कोर्ट से आग्रह किया है। राहुल गांधी को समन मिला है या नहीं इसकी सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को नहीं मिली है। राहुल की उपस्थिति के लिए कोर्ट की अगली निर्धारित तिथि को ही सुनवाई होगी। नहीं, फिजिकल नहीं। यहाँ आज दो केस लंबित था, एक मोदी सरनेम जी वाला और एक आदरणीय अमित शाह जी वाला। अमित शाह जी वाले में उनको उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया गया था। आज भी वही स्थिति है, सम्मन का अभी सर्विस रिपोर्ट नहीं आया है, इसीलिए अभी आज कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हो पाया है। सम्मन का सर्विस रिपोर्ट आने का मौखिक ने कहा कि भैया टेक्निकली है, हाई प्रोफाइल केस है और जब तक कोई सर्विस रिपोर्ट ना आए तब तक आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। कहा, हमने प्रेयर किया कि भैया बात ऐसा है, केस के बारे में उनको जानकारी है, जो अभी लोकसभा का जो नॉमिनेशन फाइल किया गया था उस नॉमिनेशन में भी जो दिया जाता है कि मेरे ऊपर कौन कौन सा केस पेंडिंग है उसमें भी इस केस का जिक्र उन्होंने किया है। राहुल जी ने दिया हुआ, राहुल एकदम इस MP MLA 16-21 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रांची को दिया हुआ है। मैं आपको कॉपी भी दिखा दूंगा, है मेरे पास, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। बोले फिर भी कोर्ट का एक प्रोसीड्योर है, अगर नेक्स्ट डेट तक कम से कम एक डेट और देख लेते हैं। हमारे तरफ से तो हमारा एक ही प्रेयर था, जब उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो हमारा यही है कि जब तक आप कोर्ट वारंट इशू नहीं करेगा तब तक। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दीपक और फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए दो मामले थे आज उस पर राहुल गांधी की सुनवाई थी। पहला तो मोदी सरनेम का मामला, उस पर अभी तक कुछ अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पाया, लेकिन अमित शाह पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला था उस पर अपडेट सामने आई है। आज भी सशरीर उपस्थित नहीं हुए हैं राहुल गांधी और समन का सर्विस रिपोर्ट भी नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। रांची सिविल कोर्ट से समन जारी हुआ था, लेकिन वह समन का जो सर्विस रिपोर्ट है वो अब तक नहीं मिला है।
इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो यहाँ से समन जारी किया गया था वो समन राहुल गांधी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो जब तक उसका सर्विस रिपोर्ट नहीं आ जाता है ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए कोर्ट ने जो है अगली तिथि निर्धारित की है और अगली तिथि में सशरीर उपस्थित होकर के राहुल गांधी को पक्ष रखना है। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई और जो शिकायतकर्ता है नवीन झा, उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि समन जो है पहले ही जारी हुआ है और इस केस की जानकारी राहुल गांधी को है, क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें जो उम्मीदवारी के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि उनके उनके पर कितने कितने जो मामले है कहाँ कहाँ वो मामले लंबित है। तो उससे उस चुनाव आयोग को भी रांची सिविल कोर्ट में जो दर्ज केस है इसकी जिक्र राहुल गांधी के द्वारा किया गया है। तो यानी कि राहुल गांधी को इस केस की पूरी डिटेल और जानकारी मालूम है। इसके बावजूद अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे, अपना पक्ष नहीं रख रहे, इस परिस्थिति में राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो वारंट जारी करने का जो है मौखिक में ये आग्रह है वो नवीन झा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने किया है। अब कोर्ट की जो अगली तिथि निर्धारित होगी उस तिथि में आप देखना होगा कि राहुल गांधी उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखते हैं या नहीं रखते हैं। बिल्कुल दीपक, आप देखिए अगली तारीख पर सबकी निगाहें टिकी होगी और अगली सुनवाई जब मुकर्रर होगी उस वक्त राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो